कि आनंद को सपा के बारे में टिप्पणी करने से बाज आना चाहिए और उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। बीएसपी अभी हमारे उसका हिस्सा नहीं है, ऐसे में वो टिप्पणी अगर सपा पे कर रहे हैं तो ये उनका जाति उन दोनों पार्टियों का मामला हो सकता है। 17 में पूरे बीजेपी ले गई, उसके बाद ये वाले में एक सीट छोड़ के पूरे बीजेपी ले गई। अब हम खड़गे प्रधानमंत्री बनाएंगे और दलित एक प्रधानमंत्री बनेगा इस बार हिंदुस्तान में, देखिएगा। खड़गे जमीनी नेता हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो क्या दिक्कत है, किसी को दिक्कत क्या आ रही है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच बीएसपी के नए उत्तराधिकारी आकाश आनंद के एक ट्वीट ने राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है। आकाश आनंद ने एक ट्वीट के जरिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि सपा को बीजेपी से ज़्यादा बसपा से डर लगता है। लखनऊ का आम आवाम हमारे साथ है और हम इस वक्त मौजूद हैं दारुल सपा में, जिसे लखनऊ की राजनीति का गढ़ कहा जाता है और कहा जाता है कि प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा दारुल सपा से तय होती है। तो हमारे साथ लगातार बातचीत करते हैं चैनलों पर, अपनी राय रखते हैं, राय साहब हैं। ये जो ट्वीट है आकाश आनंद का कि सपा को बीजेपी से ज़्यादा बसपा से डर लगता है, ये आखिर ट्वीट कैसा? 2019 में तो आपस में साथी थे। देखिए, हर जो पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं उसमें एक नया नेता भी जुड़ गए हैं आनंद जी। अब चूंकि वो पॉलिटिकल शतरंज के बहुत माहिर हैं, अरे 2024 के संदर्भ में आपको यानी बसपा के पक्ष को रखना चाहिए कि आप इस जंग में आप किस कार्नर से आप बसपा का एंट्री करा रहे हैं, तो आप अपनी बात नहीं कहेंगे। आप पूरा ताकत, पूरी एनर्जी, पूरी आपकी कार्य योजना, पूरी आपकी पॉलिसी दूसरे दल पर चली जाती है। अरे तुम अपना पक्ष रखो कि 2024 में तुम कहना चाहते हैं, मतलब बीएसपी क्या? हम ये कहना चाहते हैं कि आनंद को सपा के बारे में टिप्पणी करने से बाज आना चाहिए और उनको अपना पक्ष रखना चाहिए कि 2024 में बसपा का क्या उत्तर प्रदेश के सियासत में क्या भूमिका होगी, बसपा क्या दिशा तय करेगी, बसपा का टारगेट क्या होगा, बसपा क्या करना चाहती है 2024 में। अपना पक्ष रखो, इसलिए कि अब जंग 3 महीने बाद है टोटल, आप अपना पक्ष रखिए और सपा के बारे में अपनी एनर्जी मत खर्च करिए। बसपा तो कह रही है कि ना हम इंडिया के साथ हैं ना एनडीए के साथ हैं। किसी ने बुलाया तो नहीं उनको, न एनडीए बुलाई, न इंडिया बुलाई, वो उनका मामला है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जैसे चाहे तैसे चुनाव लड़ सकते हैं। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बुला रहा है कि आप मेरे पास आ जाओ, सबको अपना वजूद बचाना है। आए अगर आप जो है वजूद नहीं बचाएंगे तो ये जो सागर है, ये वक्त जो है, ये जो समय है, तो समय के समंदर में अब जो आजमाओगे वो भी डूब जाएंगे, तुम भी डूब जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। क्या आपको क्या लग रहा है, जो बसपा के नए उत्तराधिकारी आकाश आनंद, उन्होंने कहा कि सपा को बीजेपी से ज़्यादा बसपा से डर लगता है, 24 के पहले ये बयानबाजी क्या नुकसान करेगी विपक्ष को? अभी तो हमारे गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है जो है मायावती जी, बीएसपी अभी हमारे उसका हिस्सा नहीं है, ऐसे में वो टिप्पणी अगर सपा पे कर रहे हैं तो ये उनका जाति उन दोनों पार्टियों का मामला हो सकता है। मगर जो भी हमारे गठबंधन में आना चाहेगा, इंडिया गठबंधन में, क्या इससे फिर दलित वोटरों में एक कंफ्यूजन की स्थिति होगी ना? दलित वोटर पर सपा का भी फोकस है, कांग्रेस का भी फोकस है, इंडिया गठबंधन का फोकस है, मल्लिकार्जुन खड़गे को फेस बनाने की तैयारी है, तो अगर बड़ी पार्टी है बीएसपी उसके उत्तराधिकारी इस तरह से कहेंगे तो असर पड़ेगा ना दलित मतदाता? नहीं, अभी सर टाइम है, अभी हमें सिर्फ अभी थोड़ी चीज 19-20 जो बातें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं हम जब मसौदा हमारा दे चुका गया है, जो मसौदा हमारा 2014 में, तो मायावती नहीं है ना? नहीं, मसौदे में नहीं है, मगर अब वो आती है तो हमें एक डिफरेंट टाइप से, एक अलग तरीके से आएंगी। उनके बयान से लगता है, आकाश आनंद के ट्वीट से लगता है, जिस तरह से वो सपा पे हमलावर हैं, कि बसपा आएगी साथ? बसपा में तो मायावती जब जब रही है, इनका एक बार संगठन हुआ है साथ में, और कभी जो है उनका सफलता नहीं मिली।
उनको सफलता नहीं मिली, ना आगे ही मिलने के चांसेस हैं। और मायावती अब जो है कोर वोटर नहीं रह चुका है, जनता जागरूक हो चुकी है, वो खुद ही अपना हित और अहित सब पहचान। 14% वोट मिले थे मायावती? नहीं तो 14% मिले थे वो ठीक है, लेकिन 14% से ही जीत हासिल नहीं होगी। ये अब की जो भाजपा के साथ, क्योंकि दलित भी अब की भाजपा के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित है, दलित भाजपा के लिए वोट करेगा और भाजपा सरकार फिर जो है बनेगी, लोग जो है कोई उसकी जीत के उसमें सामने आड़े कोई नहीं आ पाए। भाजपा को वोट करने जा रहा है, आप बताइए आपका पीडीए कांग्रेस की ये यात्रा सब फेल हो जाएगी? देखिए, हर आदमी को अपना विचार जिस पार्टी से वो प्रभावित है उस पार्टी के मैनोफेस्टो और पॉलिसी को आपके चैनल पर रखने का अधिकार है। दलित के अंदर, दलित के लिए, दलित के भविष्य के लिए वर्तमान संविधान में एक योजना का नाम भारतीय जनता पार्टी 10 साल में बता दे। बताइए क्या किया दलितों को? भैया दलितों के लिए, एक तो दलित दलित कह के जो है गलत बात है, दलित हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के, हमारे खून हैं, हम लोग मनु शत्रुपा के संतानें हैं, इसलिए जात पात की बात जो आज तक राजनीति रही वो खत्म, भाजपा सरकार हमारी जो है इन जात पात की राजनीति को खत्म करेगी। क्या लगता है जो आकाश आनंद का बयान है इससे किसको नफा नुकसान होगा? देखिए आकाश आनंद के बयान जो है केवल फेसबुकिया बयान और उधर ट्विटर पर डालते रहे, उनके बयानों से न कुछ करने वाला है। आकाश आनंद ने कहा है कि सपा को बीजेपी से ज्यादा बसपा से डर लगता है, क्या इस तरह से मुकाबला कर पाएंगे बीजेपी का? देखिए कोई मतलब ही नहीं है ये बयान व्यान का, कोई अभी मतलब ही नहीं है। मतलब ये लड़ाई जो है खड़गे लड़ेंगे प्रधानमंत्री के चेहरे से, और खड़गे के लिए सब पीछे खड़े होंगे। एक दलित प्रधानमंत्री बनाना है उसमें बहुजन कहीं नहीं टिकेगी। बीएसपी का कहाँ वोट शेयर है? 17 में पूरे बीजेपी ले गई, उसके बाद ये वाले में एक सीट छोड़ के पूरे बीजेपी ले गई, तुम्हारा जो भी अपना सीट था वो सब बीजेपी ले जा रही है। अब हम खड़गे प्रधानमंत्री बनाएंगे और दलित एक प्रधानमंत्री बनेगा इस बार हिंदुस्तान में, देखिएगा आप कैसे प्रधानमंत्री बनेगा मोदी जी नहीं। भैया दलित राष्ट्रपति हमने बनाया, सबसे ऊंचा जो पद है देश के संविधान, संवैधानिक हद होता है क्या? वो रबर स्टैंप होता है, बाकायदा रबर स्टैंप है सवाल, क्यों ना गलत, प्रथम नागरिक देश का जो है राष्ट्रपति माना जाता है। पूरा संवैधानिक पद प्रधानमंत्री को दिया जाता है, जो संवैधानिक पद है डिसीजन लेने का सब प्रधानमंत्री को दिया जाता है, और वो एक रबर स्टैंप के रूप में हम प्रधान, मार तो उनकी भी लगती है ना, मार तो उनका भी है ना, अध्यादेश में किसी भी नियम को, तमाम सारे अध्यादेश हैं, बता दिए तमाम सारे, कौन से आप बताइए ना, सारे सारे कानून बनाती है, मोहर वही लगाती है उनकी, पहले कुछ नहीं, वो रबर आती है। संवैधानिक जितना भी अधिकार है पीएम करते हैं, और ये पीएम मैं बात कर रहा हूँ, पीएम बनाने की बात कर रहा हूँ, खड़गे जमीनी नेता है, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो क्या दिक्कत है, किसी को दिक्कत क्या आ रही है? एक बार पीएम नहीं बना सकते हम हिंदुस्तान में प्रधान दलित को, क्यों नहीं बना सकते भाई? तो ये आकाश आनंद का जो बयान है इससे क्या देखते हैं? आकाश आनंद कौन है? अभी आए हैं, बहन जी का वोट शेयर 100% है, वो भी घटता जा रहा है, 13% पे आके सिकुड़ गया है। अगर इसी तरीके से बहन जी राजनीति करती रहेंगी वो भी कम होता रहेगा, और हमें कोई बहन जी से दिक्कत नहीं है, हम दलित का उठान करते हैं। जब दलित पे पेशाब कर दिया जाता है तो बहन जी का मुंह नहीं क्यों खुल रहा है? आप ये बताइए, अभी जगदीप धनखड़ आके मैं जाट सीना पीट रहे हैं, तब इनकी मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है, धनखड़ जाट क्यों कह रहे हैं? जाट उस टाइम सुनाई है जब वहाँ पर किसान मरे जा रहे थे, तब वो जाट नहीं थे। और आपको बता दें, देखिए मायावती जी के साथ एक गड़बड़ क्या हुई है, वो ईडी के डर से आज 5-6 साल से, जब से वो सत्ता में नहीं है तब से, और भाजपा के आने के बाद से वो डरी रही। उन्होंने मायावती को डर लगता है क्या ईडी से? ऐसा एक मिनट, भाई साहब कह रहे हैं दलित दलित, अभी भाई साहब ने कहा कि दलित को मैंने राष्ट्रपति बनाया, अब कह रहे हैं दलित कहना बंद कर दीजिए, नंबर एक। नंबर दो, मायावती जो 13-14% वोट कही जा रही मेरे समझ से नहीं है, वो वोट उन्होंने कहा कि ईडी से डर लगता है, बताइए। मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए तब वो जवाब दे पाएंगे ना मेरी। देखिए जब से वो सत्ता में नहीं है, उसके बाद जब भाजपा आई है केंद्र में, तब से कहीं ना कहीं वो डर के वो अपने वोटरों से दूर हो रही, दूर हो गई थी, अब उन्हें इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगेगा, और अब अगर वो थोड़ा और पहले अगर राजनीति में और फिर से सक्रिय हो जाती और वो अपने जनता के बीच, अपने वोटरों के बीच जाती तो शायद अच्छी पोजीशन बन सकती थी। ज्यादा सांसद नहीं है, कहाँ डर क्या है बताइए, कहा प्रधानमंत्री बनेंगे 24? फिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा?
बहन मायावती जी। और स्वागत करता हूँ बहन मायावती जी। मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद, उन्होंने कहा कि सपा को मायावती से डर लगता है। नहीं नहीं, कोई डर नहीं। कहे डर रहे? स्वागत करूंगा उन्होंने तो उत्तर प्रदेश में। वो मैं कहेंगे आप भी पीछे खड़े, ये देखिए उत्तर प्रदेश मायावती भी आएंगी इंडियन एयरलाइंस में। मायावती आएंगी तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम अलग हो जाएंगे। अरे वो हम लोग का राजनीति एजेंडा है, हम आपको हर बात बता दें रास्ते में आके। वो वक्त आने दीजिए, अगर खड़गे जी बनेंगे तो मायावती सपोर्ट करेंगी, बिना सपोर्ट के रह नहीं पाएंगे। मायावती वर्तमान समय में कमजोर हो गई क्या? बहन मायावती जी को अगली बार जब भाजपा सरकार बनी तो उनको राज्यपाल का दायित्व तो दिया जाएगा। ये हमारी सरकार उनको राज्यपाल नियुक्त करेगी। आप बताइए, आकाश आनंद ने कहा है, आखिरी आपसे कमेंट ले लेते हैं, कि अगर माया समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा बसपा से डर लगता है, क्या ये सही है क्या? तो है, ये सही बात हो, क्योंकि उनके साथ गठबंधन चला चुके हैं और सारे गठबंधन उन्हीं के साथ हुए थे, उन्हीं के साथ गठबंधन की सरकार भी बनाई और उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी उन्हीं गठबंधन से लेगा, तो उनके विषय में उनको मालूम ज्यादा होबे करेगा ऐसा कुछ। सबसे हम जान लेते हैं, एक एक लाइन में बता दीजिएगा, क्या बसपा को सपा को बसपा से डर लगता है? एक बात सुन लीजिए, फाइनल कमेंट सपा बसपा से डरती? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं डरती सपा बसपा का। ना बिल्कुल डरना चाहिए भैया, सपा को बसपा से तो बिल्कुल डरना चाहिए। क्या लगता है? सबको डर हमारी भाजपा पार्टी लगती है, भाजपा पार्टी सबको डर लगती है हमारी। डरती ना होती तो 3 इनके सांसद होते, उसके 10 होते। अब आप यही देख लीजिए, सही ये बात सही है कि सपा बसपा से डरती है? नहीं डरती, नहीं डरती, डरना भी इसलिए हमारे भाजपा सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर इतनी नीतियां बनाई हैं और मायावती जी महिला है, इसलिए डरना चाहिए, सभी को डरना चाहिए। चलिए, ये लखनऊ की आम जनता